कैसे हो दोस्तों। आज मैं चाहा कि आपसे बात की जाए। आप ये बैकग्राउंड देख रहे होंगे दो तीन दिन से। एक्चुअली ये हमारे जो फराज भाई हैं जिनका यूट्यूब चैनल है मेरा सफ़र, उन्हीं के घर आया हुआ हूँ मैं। फिलहाल मैं बरेली में हूँ। थोड़ा मैं आपसे आज कुछ बात करना चाहता हूँ आपके आपके भविष्य के लिए। और ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, चाहे ब्लॉगिंग के रूप में काम कर रहे हों, चाहे वो न्यूज़ कैटेगरी के काम में काम कर रहे हों। और ये वीडियो अगर आपने देख ली तो ये आप तय कर पाएंगे कि आप YouTube चैनल पर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और मैं आपसे गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आप YouTube पर काम कर पाएंगे तो आप गारंटेड 50,000 रुपये भी कमा सकते हैं, 1,00,000 भी कमा सकते हैं, 2,00,000 भी कमा सकते हैं, 5,00,000 भी कमा सकते हैं पर महीना। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो लोग YouTube पर काम कर रहे हैं वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि अरबाज भाई हम YouTube पर काम करना चाहते हैं, क्या क्या लें, कैमरा लें, ट्राईपोड लें, तुम्हारे की एयरफोन लें, माइक लें, लाइट लें, क्या क्या लें। और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं, यानी उनके पास फाइनेंशियली सावर नहीं है, उन पर इतना पैसे नहीं है। मेरा कहना यह है कि YouTube पर आने के लिए आपको एक भी संसाधन की ज़रूरत नहीं है, ये सब एक्सक्यूज है, बस आपकी स्टोरी में दम होना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये आप मोबाइल देख रहे हैं, ये मेरा S1 मोबाइल है। इस मोबाइल से मैंने 1,00,000 रुपया कमाया है। मैंने आपको पता होगा 2 महीने पहले कैमरा लिया था, लेकिन पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ सिर्फ मोबाइल से और एयरफोन से। इससे वीडियो बनाई है, बट आपकी स्टोरी में दम होना चाहिए। अगर आपकी स्टोरी में दम है ना तो लोग आपकी एडिटिंग को भूल जाएंगे, आपकी लाइट को भूल जाएंगे, आपकी आवाज़ को भूल जाएंगे, सिर्फ आपकी बात को सुनेंगे। तो ये पहली प्रॉब्लम तो आपकी ख़त्म हो गई कि यूट्यूब पर काम करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विद इन 1 रुपये भी आप मोबाइल तो चला ही रहे होंगे ना, कोई सा भी मोबाइल चला रहे होंगे, उससे आप बहुत बेहतर वीडियो बना सकते हैं। और आजकल तो चाहे वो जो वीवो हो या ओप्पो हो या सैमसंग, 10-15 हज़ार की रेंज में इतने अच्छे मोबाइल आ रहे हैं कि उनका कैमरा बहुत बेहतर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग कहते हैं अरबाज भाई हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं ब्लॉग, उनके दिमाग में यह है कि यार किसी ना किसी दिन तो वीडियो वायरल हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है। तो कैसे वीडियो कभी वायरल नहीं होती, अगर एक हो भी गई तो सेकेंड टाइम क्या कर पाओगे आप। इसलिए आपको एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग ब्लॉग पर आए हैं या ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, या तो वो मोहम्मद अरबाज को देख रहे हैं या फिर किसी एक ऐसे सक्सेस यूट्यूबर को देख रहे हैं जिसने उससे अपनी ज़िंदगी बनाई है यूट्यूब की दुनिया से। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं जो आप ब्लॉग बनाते हैं, तो आप ये बताइए जो भी लोग सफल हैं जो ब्लॉग बनाते हैं वो क्या करते हैं अपने ब्लॉग में। वो 3 काम करते हैं, या तो किसी को गिफ्ट दे रहे होंगे, या किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, या फिर कहीं वो घूमने जा रहे होंगे। जितने भी 2-3 सफल ब्लॉगर हैं, चाहे वो फ्लाइंग बीस्ट हो, चाहे वो दीपिका की फैमिली हो, चाहे वो सौरभ जोशी हो, या और भी जो आपकी नज़र में जो सक्सेस यूट्यूबर हैं ब्लॉगर हैं, वो क्या करते हैं, या तो ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, या फिर वो किसी को गिफ्ट दे रहे होंगे, या बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे। तो अगर यही काम आप कर रहे हो तो ये सोच के बताइए कि जो लोग सफल यूट्यूबर कर रहे हैं क्या वो आपकी लाइफ का हिस्सा है। यानी अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं तो क्या आप डेली बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो किसी का, नहीं कर सकते। क्या डेली ट्रैवलिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते। डेली किसी को गिफ्ट दे सकते हो, नहीं दे सकते। यानी आप इस कैटेगरी में नहीं आते तो आप सक्सेस कैसे हो जाओगे, नहीं होगे ना। क्लियर हो गया पॉइंट। यानी आप कंटेंट बना रहे हो, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, और उनके पास ऑलरेडी 1,00,000 कंटेंट पड़े हुए। वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। उनकी ज़िंदगी जीने का स्टाइल यही है कि वो किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, अच्छा अच्छी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट उसके आगे उन्होंने अपना आईफोन लगा दिया, कैमरा लगा दिया है जो वो रिकॉर्ड कर रहा है, तो उनके पास तो कंटेंट की कमी है नहीं। लेकिन आप क्या करोगे, या मान लीजिए मैं ब्लॉगिंग की दुनिया पर कभी सफल नहीं हो सकता अगर मैं ये दिखाने लगूं कि आज मैं उसको बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास नहीं है। मेरा एक छोटा सा रूम है किराए का, उसमें मैं डेली कहां तक दिखा सकता हूं। तो आपको समझना चाहिए कि एक कंटेंट क्रिएट करना और एक किसी के पास कंटेंट होना दोनों में अंतर है। आप क्या कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, नहीं आप कामयाब नहीं होगे। क्यों नहीं होगे, क्योंकि ब्लॉगिंग जो है उन लोगों का काम है जो इस तरह की लाइफ जी रहे हैं। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। अगर आप डेली बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, डेली गिफ्ट दे सकते हैं किसी को, डेली ट्रैवलिंग कर सकते हैं, तो आपका ब्लॉग
की दुनिया में स्वागत है। अब आप कहेंगे अरवाज भाई ये काम तो हम नहीं करते लेकिन फिर भी YouTube पर आना चाहते हैं, तो तरीका क्या है? ये तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तरीका यह है कि, और दूसरा तरीका यह है कि मैं आपको क्यों देखूंगा, नेपोटिज्म भी काम करता है। सलमान खान का अगर भतीजा आएगा तो मैं उसको देखूंगा, अरबाज खान को देखूंगा, सोहेल खान को देखूंगा, मैं आपको क्यों देखूंगा? क्योंकि आपकी तो रीच इतनी नहीं है। सिंपल सी बात है, आप तो ब्लॉग मेरा भी नहीं देखोगे, तो कामयाब कैसे हो सकते हो? इसके लिए एक तरीका है। तरीका क्या है कि आप क्या कीजिए, एक यूट्यूब चैनल बनाइए अपना, और उस यूट्यूब में क्या करना है आपको, आपको कोई स्टोरी दिखानी है कहीं जाने की या किसी भी चीज़ की, जिसमें सब्जेक्ट आप ना हो। आप अपने बारे में दिखाइए, मैं आपके बारे में क्यों देखूंगा, आप कौन हो, कोई भी नहीं हो आप। आपको स्टोरी दिखाइए, आप देखा हुए जो मेरा ब्लॉग चैनल कामयाब हुआ है वो क्यों हुआ है? क्या मैं वहाँ अपने आप को दिखा रहा हूँ या मैं एक बिहाइंड द स्टोरी दिखा रहा हूँ? वहाँ एक स्टोरी दिखा रहा हूँ। मैंने क्या करा, दिल्ली के जितने हिस्टोरिकल प्लेस थे उनको दिखाया, तो वहाँ सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वहाँ मैं नहीं हूँ। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट वो स्टोरी है जिनको मैं दिखा रहा हूँ। लोग आएंगे और उस स्टोरी को देखेंगे, जब वो उस स्टोरी को देखेंगे तो धीरे धीरे वो मुझे भी जानेंगे। यानी अगर ब्लॉग चैनल पर, अरबाज ब्लॉग पर मैं अपने बारे में दिखाना शुरू कर दूं, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं सोता हूं, क्या मैं पहनता हूं, कोई नहीं देखेगा। मैं कोई स्टार नहीं हूं, बट मेरे ब्लॉग क्यों चल रहे हैं? मेरे ब्लॉग की जो कैटेगरी है, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, और आप उस कहानी से प्रभावित होकर मुझे भी देख रहे हैं, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि अगर आप सोचोगे यार हम ट्रैवलिंग कर लेंगे, ये भी तरीका सही है पैसा कमाने का और ब्लॉग करने का, लेकिन ट्रैवलिंग वाले ब्लॉग में पहले आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, पैसा बाद में आएगा। पहले आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, रेवेन्यू तो बाद में जनरेट होगा, एक साल बाद, छः महीने बाद ही है। यानी कहने का मतलब है, अगर आप ट्रैवलिंग नहीं करते हैं, अगर आप डेली गिफ्ट नहीं दे सकते किसी को, डेली बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते, तो यूट्यूब पर आपका काम नहीं है, यानी ब्लॉगिंग की दुनिया में काम नहीं है। और अगर काम है तो वो किस कैटेगरी में है कि आपको अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। और पहचान बनाने के लिए तरीका क्या है कि पहले आप अपने आप को मत दिखाओ, पहले की स्टोरी पकड़ लो। मान लीजिए आप क्या करो, कुकिंग है ना, कुकिंग है, उसको करना शुरू कर दो, तो लोग आपकी वजह से नहीं आएंगे, कुकिंग की वजह से आएंगे। या आप ट्रैवलिंग करना शुरू कर दो धीरे धीरे, या आप किसी चीज़ को दिखाना शुरू कर दो, अपने आप को मत दिखाओ। जब आप किसी चीज़ को दिखाओगे तो ऑटोमेटिक तो दिखोगे ना आप अपने आप, लेकिन लोग जो आएंगे उस चीज़ को देख कर आएंगे। मेरा जो बड़ा वाला चैनल है मोहम्मद अरवाज ऑफिशियल, उस पर लगभग 1 मिलियन होने वाले हैं। क्या लोग वहाँ मुझे देखने आते हैं? नहीं, वो न्यूज़ देखने आते हैं। जब न्यूज़ देखने आते हैं तो उसके सहारे मेरी भी पहचान बन रही है। और सोचो अगर मैं शुरू से ही अपने आप को दिखाने शुरू कर देता तो मुझे कोई देखता नहीं। इसलिए लाखों लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या आ रहे हैं वो ब्लॉग डाल रहे हैं। भाई नहीं कामयाब आप हो गए, कोई तुक्का नहीं चलता है। अगर एक वीडियो चल गई तो दूसरी वीडियो नहीं चलेगी, पहले अपनी पहचान बनाओ। मेरा जो सेकंड चैनल चल रहा है वो क्यों चल रहा है? पहले चैनल की बदौलत, क्योंकि मैंने पहचान बनाई है। मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, आपको नई नई चीज़ दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा पा रहा हूँ? क्योंकि मेरा बेस मजबूत हो चुका है। मैं पहले चैनल से पैसा कमाता हूँ, मोहम्मद अरवाज ऑफिशियल से, और उस पैसे से इस चैनल पर खर्च कर रहा हूँ। आप मेरे इस चैनल की कमाई देखिए कितनी है, 60-65 हज़ार, 70 हज़ार मान लीजिए। 70 हज़ार मैंने कमाया, मैंने किससे? ब्लॉग चैनल से। इतना तो मैंने खर्च भी कर दिया होगा, इससे ज़्यादा खर्च हो गया। लेकिन मैं क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरा बेस मजबूत है। मैं ट्रैवलिंग क्यों कर सकता हूँ? आज के टाइम में इंडिया में कहीं भी ट्रैवलिंग कर सकता हूँ, चाहे फ्लाइट से भी कहीं भी। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने अपना बेस मजबूत बनाया। अगर एक इंसान मैं आपसे कहने लगूँ या आपके दिमाग में आए कि मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग करना चाहता हूँ, तो करो, बट पहले आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। भाई ट्रैवलिंग में दो चीज़ चाहिए, पैसा भी चाहिए और समय भी चाहिए। अगर आपके पास समय और पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप ट्रैवलिंग बनाइए। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आप कामयाब हो जाओ। तो सबसे अच्छा तरीका क्या बताया मैंने कामयाब होने का, कि आप कोई भी सामान मत खरीदो, केवल अपना मोबाइल लो, एक एयरफोन लो अच्छा, और उसको इस तरह रख के आप वीडियो शूट कीजिए, जो मैंने किया 3 साल के अंदर। लाखों रुपये मैंने इसी से कमाया है, 2-2, 3-3 लाख रुपये भी मैंने इससे कमाया है। उसके बाद आपको क्या करना है, मोबाइल से वीडियो बनाइए और उसमें अपने आप को मत दिखाइए, अपने आप को मत दिखाइए, आप किसी चीज़ को दिखाइए, हिस्टोरिकल प्लेस को दिखाइए, या कोई रिपोर्टिंग कीजिए उसको दिखाइए, या मान लीजिए आपके अंदर कोई टैलेंट है उसको दिखाइए। लोग आपके टैलेंट के दम पर आएंगे, वो आपके टैलेंट को देखेंगे, आपको नहीं देखेंगे। हाँ, जिस दिन आपका टैलेंट कामयाब हो गया तो ऑटोमेटिक आपकी पहचान बन गई। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो लोग टैलेंट को देखते हैं वो आपके बारे में भी देखना चाहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को क्लियर तरीके से समझ पाए होंगे कि आप यूट्यूब की दुनिया पर काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लास्ट में अगर मैं 2 लाइन में कहना चाहूँ कि अगर आप
डेली ट्रेवलिंग नहीं कर सकते, डेली गिफ्ट नहीं दे सकते, डेली बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते, तो ब्लॉग की दुनिया में आपका कोई काम नहीं है। आई एम सॉरी टू से, क्योंकि जो ब्लॉगर हैं वो देखो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ पर जाकर देखो क्या कर रहे हैं, या तो वो डेली किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, या डेली बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, या डेली ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और इन सारी चीज़ों में पैसे चाहिए, जो आपके लिए अभी इतना पॉसिबल नहीं है। बट जिस दिन आपकी पहचान बन जाएगी, जिस दिन आपका टैलेंट काम आ जाएगा, उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो। मुझे उम्मीद है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और यकीन मानिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस आपकी स्टोरी में दम होना चाहिए। कुछ भी करो, सच बोलो। हम ब्लॉग बनाते हैं, हम कभी ये नहीं कहते कि ये भूतिया जगह है, ये हिस्टोरिकल प्लेस में, ये हॉन्टेड जगह है। अक्सर लोग करते हैं, लेकिन हम ये सारी चीज़ें नहीं करते। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और आपकी लाइफ का सबसे अच्छा ब्लॉग होगा, क्योंकि यहाँ से आप क्लियर कर पाएंगे कि आपको यूट्यूब पर आना है या नहीं आना है। अगर यूट्यूब पर आना चाहते हैं, वेलकम सबका, बट पहले आपको अपना टैलेंट दिखाना होगा। जिस दिन आप टैलेंट दिखा दोगे, उस दिन लोग आपके बारे में भी सुनना चाहेंगे, देखना पसंद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।